हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, अब वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टेक गुरुजी। ये वीडियो अपलोड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस आर्टिकल में भी एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट है आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अक्टूबर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो इसमें है कि 8 अक्टूबर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और ये जो ट्रेनिंग चलेगी 6 नवंबर तक चलेगी। जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी ट्रेनिंग 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 6 नवंबर तक चलेगी। ये जो विभाग है उसके प्रधान सचिव जी ने ये कहा है, ठीक है, कि जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 6 नवंबर तक चलेगा। नियोजन का जो ये हाईकोर्ट का फैसला है, इजाज़त मिलते ही संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। नियुक्ति तो होगी लेकिन प्रशिक्षण की डेट आपकी आ गई है। अब ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल मेरे से लेफ्ट हो गया था क्योंकि ये ई न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का आर्टिकल है, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नियुक्ति में हुई देरी तो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा भू सर्वेक्षण कार्य। जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे जो ज़्यादा वैकेंसी थी विशेष सर्वेक्षण अमीन की थी, जिसमें कि विशेष सर्वेक्षण अमीन में आपकी क्वालिफिकेशन थी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट थी 4950, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं को सर्वे का वर्क भी करना है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नियुक्ति में देरी हुई पर समय पर भू सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार की पहल पर आधारित कार्यक्रम है, यानी कि ये जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्क है वहाँ पर ये सेंट्रल बेस एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, कि यह केंद्र सरकार की पहल पर आधारित कार्यक्रम है। इसका हर एक चरण, सभी चरण का स्टेज का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एक निर्धारित समय है। क्रम टूटने पर किसी भी हाल में ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि पूरा जो अभियान है वो प्रभावित होगा। देखिए ये चीज़ मेंशन भी है, ठीक है। बैठक की अध्यक्षता विभागीय प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह कर रहे हैं। मालूम हो कि विभाग के 8000 से अधिक पदों पर संविदा आधारित बहाली हो रही है, ठीक है, 8000 प्लस पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और आ रही है क्राइटेरिया कि जो फर्जी प्रमाण पत्र है इसकी भी बात इसमें रखी गई है। अभ्यर्थियों का हाईकोर्ट में दायर किया है याचिका, ये तो ठीक है, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है। फर्जी प्रमाण पत्रों को नौकरी हासिल करने वाले कर्मियों के खिलाफ तुरंत प्राथमिक दर्ज किया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नियोजन शाखा की ओर से जानकारी दी गई है कि कुछ मामलों में एक ही आवेदक के दो तरह के प्रमाण पत्र हैं। इसमें कुछ मामले सामने आए हैं जिसमें एक आवेदक है, ठीक है, एक कैंडिडेट है, ठीक है, एक कैंडिडेट के दो से ज़्यादा आवेदक हैं, ठीक है, यानी कि प्रमाण पत्र हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि नियोजन शाखा की ओर से जानकारी दी गई है कि कुछ मामलों में एक ही आवेदक के दो तरह के प्रमाण पत्र मिले हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे आवेदकों को किसी भी हाल में नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो कॉलिंग आई है 2.5 टाइम्स कॉलिंग आई है, तो उसमें भी जो हायर परसेंटेज वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें से लेफ्ट हो जाएंगे, तो जो लोअर परसेंटेज वालों की मेरिट जाएगी, ठीक है, यानी कि इसमें मेरिट और गिर सकती है क्योंकि इसमें सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो उसमें मेरिट आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि सभी, चाहे आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन हो कानून वो हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 टाइम्स कॉलिंग आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो आपका हो चुका है, रिजल्ट भी प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन सेकेंड वेरिफिकेशन में जो ये फर्जी प्रमाण पत्र वाला मामला सामने आया है इसका रीवेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो इसमें मेरिट कम जाएगी। और मैंने आपको एक चीज़ अपडेट दे दिया था कि जो आपकी ट्रेनिंग है 9 अक्टूबर से स्टार्ट है और 6 नवंबर तक ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।